bell icon. Subscribe now. A few moments later. Hey guys, welcome back to my new vlog. और guys, मैं हूँ महुआ में, सूरत से निकल के आ गया हूँ। रात को बोर्डिंग वोडिंग होती है अहमदाबाद में, तो जगना पड़ता है guys, कुछ मत बोलो। अभी बजे हैं 10 और मैं कर रहा हूँ कोच का काम। तो काम मैंने रीड कर लिया, देखो ये मैंने रियूज पैक कर दिया वापस, क्योंकि सोल्ड नहीं थी ये ज़्यादा, इसलिए वापस ये शाम को काम में आ जाएगी। लेकिन पैसेंजर सब कैसे कैसे होते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए आप, देखो इतना उनका ये नहीं कि उठ के बाथरूम में ही चल जाए। देखो अब इनके लिए क्या कहें यार, इनसे कहिए तो आज बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ हमारा जो नया रूम है वो किस प्रकार का, उसकी साफ सफाई भी करते हैं, तो इधर रहने का एक अच्छा सा व्यवस्था है। तो अभी बाय बाय। सो एवरीबॉडी गाइस, मैं नहा के हो गया रेडी, और नहाते वक्त कपड़े धोते वक्त याद आता है यार लाइफ में कितने दिन हो गए मैं खुद का खुद ही कपड़े धोता हूँ नाले। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एवरीबॉडी गाइस, देखो अंदर इतने गर्मी लग रहा था ना, एसी बंद था, और बाहर ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोलते बरसात का मौसम हो, बिल्कुल हवा हवा चल रही, ठंडी हवा। और वैसे भी सर समुद्र पास में 2-4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से जितनी ठंडी हवा उठेगी वो सब इधर आ रही है। मुझे लगता है ये ठंडी हवा पाकिस्तान से आ रही है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान लग जाता है भाई। तो भाई चलते हैं, अभी खाना वाना खाते हैं, इसके बाद रूम पे जाते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अभी मैं आ गया हूँ रूम में। अच्छा है, रेलवे वाले सर थे यहाँ पर, वो तो निकल गए, लेकिन यहाँ पर जगह छोड़ गए, तो हमें दिन के टाइम यहाँ पर व्यतीत करना अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम यहाँ पर निकालते हैं। अब जाएंगे हम यहाँ से कम से कम 4 बजे के समथिंग, मुझे थोड़ा बाज़ार में काम है, तो थोड़ा देर के लिए मैं विश्राम करता हूँ, मोबाइल को चार्ज करता हूँ, देन वीडियो को अपलोड करता हूँ, इसके बाद मैं जाता हूँ बाज़ार में। बाय बाय। अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना। एक सेकेंड, ये गाना सही है एयरटेल का, लेकिन एयरटेल में 5G, मेरा मोबाइल 5G है, लेकिन मेरा जो नेट चल रहा है वो 5G नहीं था, इस वजह से मेरे को परेशान आती है वीडियो को अपलोड करने में, हर दिन 19 रुपये का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाओ। अब मैंने जब पोर्ट कराया तो फोन लगा के बोलती है मैडम आपको सर क्या प्रॉब्लम है, अब तेरे को प्रॉब्लम बताएगी तब भी तू सॉल्व नहीं करेगी। अब हम बदल गए और जियो में आ गए। अभी जस्ट हमारे यहाँ पर सभी को खाना हो चुका है, पूरा टेंडर लोगों का, और जे ये एक अटेंडर हमारे बीच है, बुजुर्ग व्यक्ति, इनका खाना बचा है। तो आज का खाना कैसा है? मस्त है। क्या कहा था खाने में? अच्छा सादा खाते हो, वेज ओनली के नॉन वेज? वेज। क्या बात। अयोध्या राम जी का भक्त हूँ। उसके लिए वेज खाने के लिए मैं। तो भगवान राम के पिता का नाम क्या था? भगवान राम के पिता का नाम क्या था? मेरे पिता का खुशड़ी के पास। अरे भगवान राम। भगवान राम। हाँ राम श्री है ना। हाँ हाँ अयोध्या में मैं पहले। और उनके पिता का नाम क्या है? किसका? राम जी के। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? राम जी का पिता का नाम। बहुत बड़े भक्त हो आप। रूम था बहुत अच्छा रूम है यार, रेलवे की तरफ से बहुत अच्छा लगता है, जब भी इस रूम में आते हैं तो ऐसा लगता है इधर ही रुक जाए, ट्रेन व्रेन पे तो ना जाए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है। और क्यों रूम के अंदर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना रूम के अंदर। तो गाइस देखो हम अटेंडर लोगों की जिंदगी इस प्रकार की होती है, 1-1 बजे तक खाना खाते हैं लोग। बस अब खाना खाएंगे डायरेक्ट शाम को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बांध कपन अपने सर पर। एक सेकंड। हंसराज चलाए ऐसी गर्मी में मार्केट, गर्मी हाय हाय रे हाय गर्मी। खुशड़ी के बाद। करीब 1 घंटा घूमने के बाद हमने ये चूज़ किया है, एक 5 लीटर का है और 4 लीटर का है। ये 5 लीटर का है भैया का है, और 4 लीटर वाला मेरा है। नहीं तू समझा नहीं। और महुआ शहर में मैं पहली बार आया था घूमने के लिए, तो बहुत काफ़ी बड़ा है, बहुत देर से घूम रहे हैं, बाजार ही बाजार दिख रहा है पूरा।
एवरीबॉडी गाइस, पूरे एक घंटे के बाद हम बाजार से आ गए हैं और मैंने मेरे पोस्टर को भी ले लिया। मैं इसके लिए तड़प लग रही थी, पता नहीं यहाँ मिलेगा नहीं मिलता है, लेकिन दुकान दूर है, मुझे पता नहीं है। और एक चीज़ को लेने गए थे, दो तीन चीज़ ले आए और 2 महीने के बाद आज मैं फर्स्ट बार मोटरसाइकिल पर बैठा था तो काफ़ी अच्छा लगा यार। तो मैं जाता हूँ रूम पर, थोड़ा को लिखता हूँ, टाइम अभी बहुत कम है, फाइनली मतलब 5 बज चुके हैं अभी। तो ये पोस्टर मैं डेली लेता था सूरत से तो 10 में, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया अभी तो 15 में, शायद 5 रुपये का टैक्स लगता हुआ यहाँ तक का, तो मैंने ले लिया। मुझे तो ज़रूरत थी, वैसे मैं सूरत से ले लेता हूँ लेकिन मुझे ज़रूरत थी इसकी, तभी मैं लिखता हूँ। तो फाइनली गाइस, पूरी एक घंटे की मेहनत के बाद मैंने ये थॉट को लिख के कंप्लीट कर लिया है। मुझे चुल मची थी सुबह से ही, जब तक मैं थॉट को नहीं लिखा तो मुझे आराम नहीं मिल रहा था और आज मैं सोया भी नहीं। तो भारत में बेरोजगारी वो लोग हैं जिन्होंने BA, BSc, MA, MSc, BTech कर रखी है, क्योंकि छोटा काम ये करते नहीं, बड़ा काम इन्हें मिलता नहीं। और गाइस, इस वीडियो को हमने सूरत के अंदर कल सुबह में शूट करूंगा, पब्लिक का रिएक्शन देखूंगा इस बात में कितनी सच्चाई है, और वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। रूम के अंदर फिलहाल कोई भी नहीं है, सब अपने अपने ऑन ड्यूटी कराने के लिए चले गए। मैं फिलहाल लेट हूँ आज, लेकिन मैं भी अभी निकलता हूँ क्योंकि थॉट लिखने के लिए मुझे हुआ था टाइम, तो अब टाइम मुझे नहीं मिलेगा आगे, तो क्योंकि बहुत बेस्ट रहने वाला। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताने यार गाइस आपको वीडियो कैसा लगा। और जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, लाइट भी आ गई है, बहुत देर से लाइट नहीं थी, मैं जो पसीना पसीना हो रहा था पूरा एकदम शर्ट निकाल रखी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल समस्या का सोल्यूशन हो गया है। एंड बाय बाय, मिलते हैं कल सूरत में। ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर आप देखेगा, यूट्यूब शॉर्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा गाइस। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब नाउ। ये था गाइस हमारा रूम, तो इसको मैंने किया लॉक, लॉक तो है नहीं है लेकिन लॉक कर दिया, सन 1998 का है। अब मैं जाता हूँ गाड़ी पर, काम मुझे बाकी है अभी। इधर तो देखो दुखी दाणी खेल रही है शेर में, बहुत तेज हो रहा है, और इनको देखकर ऐसा लगता है काश हम भी शेर पहुंच जाते तो कुछ हम भी बहुत खेल देते हैं। नहीं तू समझा नहीं। और नजारा देख के ऐसे ही लगता है गाइस मेरे को, बहुत याद आती है इन गांव की, लेकिन क्या करे यार गाइस, अब बड़े भी तो हो गए यार, बड़े हो गए तो जिम्मेदारी आ गई, जिम्मेदारी आ गई तो सब सो की मर गई अब तो।